चिल्लाएंगे शीश एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो भाई, आज मैं जा रहा हूँ एल्विश भैया के मीटअप पे, जिसमें कि एल्विश भैया नहीं होंगे, बस उनको बिग बॉस के लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर और सिंगर आ रहे हैं, बहुत ही मस्त मस्त। सो भाई देखो, हम लोग वैसे सपोर्ट कर रहे हैं पर ऐसे भी करना पड़ता है, और वहाँ पे जाके बहुत कैडा मीटअप होने वाला है, और मैं फर्स्ट मीटअप अटेंड करूँगा एल्विश भैया का, बिकॉज भाई वो मेरे फेवरेट बन चुके हैं, और पहले भी थे और अब और ज़्यादा बन गए। इतना टाइम वेस्ट किए हुए, पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कौन कौन यहाँ पे आ रहा है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप चेक करो। क्या हाल है भाई लोग, कल यानी 9 तारीख को 4 बजे मैं आ रहा हूँ एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में एल्विश को सपोर्ट करने। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग ये स्टोरी देख रहे हैं और दिल्ली रहते हैं, तो प्लीज कल आओ और भाई को फुल सपोर्ट करते हैं, सिस्टम हैंग करते हैं यहाँ। सो हेमलो जी, ब्रो से ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। आप लोगों को पता है एल्विश भाई नॉमिनेट हुए गाइस, एंड नाउ हम लोगों को पूरा सपोर्ट करना है। उसी के लिए गाइस कल हम लोग एक मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं न्यू दिल्ली में। मैं आपको बता देता हूँ, लोकेशन है एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक सेक्टर 10 रोहिणी नियर रिथाला मेट्रो स्टेशन। ये पूरी एग्जैक्ट लोकेशन है, मैं यहाँ पर भी लिंक डाल दूंगा। जितनी भी ब्रोसेना स्टोरी देख रही है ना, सबको कल आना है ऑफिस। हेलो नमस्ते, आई होप आप सब ठीक होगे। और सबसे पहले तो एल्विश भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है और बिल्कुल सिस्टम हैंग कर देना। और कल भाई के सपोर्ट के लिए, एल्विश भाई के सपोर्ट के लिए हम सारे भाइयों ने मिलके एक मीटअप प्लान करी है। तो 9 अगस्त को यानी कि कल शाम को 4 बजे सारे भाइयों आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं एडवेंचर आइलैंड रोहिणी। ठीक है, रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड है, यहाँ पे मैं लोकेशन दे दूंगा। तो सबको पहुँचना है, बिल्कुल फ्री एंट्री है। बढ़िया, भाई के सपोर्ट के लिए मीटअप कर रखा है, तगड़ा इंतजाम कर रखा है, बहुत सारे भाई आ रहे हैं, तो सबने पहुंचना है। नमस्कार, मैं आपका अपना फाजिल पुरिया, हम अपने भाई एल्विश को सपोर्ट करने आ रहे हैं एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक सेक्टर 10 रोहिणी। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कल ज्यादा से ज्यादा लोग एडवेंचर आइलैंड सेक्टर 10 रोहिणी पहुंचे और उन्हें वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना। राम राम जी, कैसे हो मेरे सारे भाई? तो भाइयों, अब बात है बहुत ध्यान से सुनने की। कल शाम 5 बजे हम आ रहे हैं एडवेंचर आइलैंड सेक्टर 10 रोहिणी, और जो वजह है वो है अपने एल्विश भाई को सपोर्ट करना है। सारे भाई मिलेंगे कल शाम 5 बजे एडवेंचर आइलैंड दिल्ली सेक्टर 10 और कर देंगे सिस्टम हैंग, करना सिस्टम हैंग। तो हेलो, राम राम, कैसे हो भाई सारे के सारे? तो भाई कल यानी कि 9 तारीख को 4 बजे एडवेंचर आइलैंड रोहिणी पहुंच जाओ सारे के सारे भाई एल्विश भाई के सपोर्ट में। मैं भी आ रहा हूं कल एल्विश भाई को सपोर्ट करने रोहिणी एडवेंचर आइलैंड, एंड यस, ये 2.0 एल्विश यादव आ रहा है कल 1.0 को सपोर्ट करने। किसकी गैल? कटारिया की गैल। तो सारे आ जाना, नहीं तो सिस्टम हैंग हो जाएगा सबका। हाँ, तो भाई एल्विश भाई को बिग बॉस में सपोर्ट करने के लिए कल हो रहा है एक फैन मीट, और फैन मीट में तुम्हारे सारे भाई लोग आ रहे हैं। तो फैन मीट होने वाला है एडवेंचर आइलैंड मेट्रो वॉक रोहिणी में ठीक शाम 5 बजे कल। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों रिठाला, तो सारे वहां पहुंच जाना, जो हमारे भी भाई लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, सब वहां मिलेंगे और पूरी मौज काटेंगे। कल शाम को 5 बजे एडवेंचर आइलैंड रिठाला रोहिणी में एक मीटअप रखा गया है टू सपोर्ट एल्विश एंड बिग बॉस। और कल शाम 4 बजे मीटअप है एल्विश भाई की सपोर्ट में, तो आके ना वहाँ सिस्टम हैंग कर दो। एड्रेस है भाई एडवेंचर आइलैंड रोहिणी सेक्टर 10, मतलब जो भी है ना भाई, मैं यहाँ लोकेशन डाल दूंगा, तो आ जाओ भाई, एकदम एल्विश आर्मी पावर दिखा दो, सिस्टम हैंग कर दो, एकदम हैंग आ जाओ भाई। तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया कि कौन कौन सपोर्ट करने आ रहा है, और अब मैं बैठ चुका हूँ रिक्शे में क्योंकि मैं पहुँच चुका था, और बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई, आज मज़ा आएगा भाई। ये रहा सिस्टम, ये देख लो भाई, सीन ही कैडा कर रखा है एल्विश भैया ने भाई, सीन है भाई। क्राउड चेक कर लो, ये है कितनी ऊंची है।
भाई बहुत बहुत कैड़ा सीन, बहुत हाई सीन। ये देखो भाई, इसे कहते हैं क्रेज। देख रहे हो, कूद कूद के आ रहे हैं बंदे इधर, और बहुत कैड़ा क्रेज है भाई। देखना, देख रहे हो, देख रहे हो भाई, ये कमाया है एलविश भाई ने। इसे कहते हैं विनय भैया गुस्से में, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया। विनय भैया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा क्राउड आ गया, तो रियल हिट, रियल हिट की गाड़ी, रियल हिट, रियल हिट। बहुत क्राउड है, बहुत। भाई रियलिटी वाले बंदे ने हालत खराब हो गई इन लोगों की, बहुत ज्यादा, बहुत हैवी क्राउड है भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। विनय भैया की तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, भैया की तो बहुत हालत खराब है भाई, बहुत क्राउड है, अनलिमिटेड क्राउड है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या वीडियो बनाए, कहाँ से किसको दिखाए, बहुत पब्लिक है बहुत। ये उनकी, ये वैनिटी वैन, अभी वो वैनिटी वैन में जाके बैठ चुके हैं भाई। बस रियल हिट वाले दिखे हैं, वो भी थोड़े बहुत आपने देख लिए, बाकी जितने भी बंदे आए ना, विनय भैया देख लिया आपने, बाकी सब बंदे अभी आए नहीं हैं, और जो आ गए वो पहले से पहली वैनिटी में बैठ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत गर्म पब्लिक है एलविश भाई की, सब ने मौज काट रखी है, मैं कह रहा हूँ महाराजा चिल्लाएंगे शीशे भाई, बहुत जबरदस्त भाई। सुनो, बिग बॉस में ट्रॉफी गुड़गांव आनी चाहिए, कुछ हो गए एलविश भाई जीतेंगे, एक बार लास्ट बार हूटिंग मारते हैं, जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ आती होगी मीटअप में भाई। कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 50,000 से ज़्यादा बंदे होंगे, ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, 50,000 से भी ज़्यादा, कम नहीं होंगे। भाई भगना पड़ रहा है, इतनी हालत खराब हो रही है, आप जानते होगे इन्हें भाई, कहां से निकाल के ले जा रहे हैं।
भाई सेलिब्रिटी को भागना पड़ रहा है, इतना ज्यादा क्राउड है भाई, संभाल में नहीं आ रहा किसी के भी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं मीटअप। मीटअप भाई एंड लेवल। कौन जीतेगा था भाई? क्या नाम है भाई आपके चैनल का? अतुल किंग भाई, बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं यार, यही वीडियो देखना चाहिए। सीस्टर भाई, कोई आ गया, फिर से कोई आ गया। ये देखो वहां पे भाई ओवर कंट्रोल हो गई है, अब चीज बहुत ज्यादा ना ओवर कंट्रोल हो गई है, तो अभी बस निकलते, क्योंकि सिर्फ अभी हर्ष बहने वाला आया था और बाकी जितने भी सेलिब्रिटी आए थे भाई, अभी कोई भी स्टेज पे नहीं आया क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया सब कुछ। सब कुछ ऐसा हो गया है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड बंदे आ गए हैं, 1.5 लाख से ऊपर बंदे हो गए, ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे, तो वो चीज़ हो गई, बहुत कैडी हो गई भाई भीड़। ये देख लो, कहीं पे भी जाओ अभी पूरे कोने में भीड़ ही भीड़ है। ये देख लो, भगदड़ हो रही है, पूरी भगदड़ हो रही है। कोई आया तो है, मिल लो भाई, आ गए। जे जे कम्युनिकेशन भाई, कहीं पे कुछ जाने का रास्ता नहीं है, हालत हो गई है खराब, बहुत ज्यादा क्राउड है भाई, बट भाई मीटअप है भाई, मेरे को लग रहा है हिस्ट्री हो गई है, ऐसा मीटअप आज तक नहीं हुआ और ना ही कभी हो सकता, मुझे नहीं लगता कि कभी हो सकता है ऐसा मीटअप। बहुत क्रेजी भाई, बहुत ज़्यादा क्रेजी, हर तरफ ना भगदड़ हो रही है, हर तरफ भगदड़ हो रही है, उधर भी देख लो भगदड़ हो रही है, हर जगह भगदड़। में बाहर आ गया भाई, उससे ये स्टेज मैंने दिखा दिया था, अब मैं आ गया हूँ दोबारा यहीं पर भाई। भाई यहाँ पे बहुत सारे जने आने वाले थे, आपने देख ही लिया था, जैसे कि हर्ष बैनीवाल और जे कम्युनिकेशन वाला भी मैंने आपको दिखाई दिया है, और बाकी बहुत सारे लोग आने वाले थे, जैसे UK07, अज्जू भाई और अपना क्रप लवर, वो तो है ही, मतलब वो तो उनका ही एकदम खास बंदा है, और अपना पैराडॉक्स, MC स्क्वायर, फैजलपुरिया, बहुत सब लोग आने वाले थे, पर भाई बहुत सारा भसड़ होने के कारण ना दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ घर। बाकी एलविश भैया का एरा बहुत सा फुल सपोर्ट है, एलविश भैया को फुल पावर सपोर्ट है, और सलमान खान का पोस्टर फाड़ दिया सलमान खान का पोस्टर, वही वाला हेट जो उस दिन रो गए थे। बाकी चलते हैं अब घर, बाकी फुल सपोर्ट टू एलविश भाई, मिलते हैं भाई। बहुत बहुत एंड लेवल का मीटअप था, बहुत ज़्यादा। बाकी अब घर चलते हैं, घर जाके बताते हैं।